बिहार विधानमंडल की इतनी सुरक्षा शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और वजह बिल्कुल साफ है कि शिला लेख और शिला पट पर जिस तरीके से राज्यपाल का नाम नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध कर रही है, और यह विरोध इसलिए है क्योंकि देश की संसद भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष देश में बगावत के मूड में है और साफ तौर पे कह रही है कि राज्यपाल जो संवैधानिक पद है और उसका यहाँ पर क्यों शिलालेख में नाम नहीं है, नीतीश कुमार का क्यों है, और ये इसलिए है क्योंकि देश में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना चाहिए नए संसद भवन का, और उनका नाम नहीं होने की वजह से अब ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यापक इंतजाम है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और ये विधानसभा विधानमंडल के बाहर की तस्वीर है, और अंदर भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद हैं और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये विरोध कब तक जारी रहेगा, फिलहाल ये विरोध के साथ साथ कब तक ये सियासत गर्म रहेगी ये भी देखना होगा, लेकिन मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता दिख रहा है, इसलिए क्योंकि एक तरफ देश की संसद की बात है तो वहीं राज्य में विधानमंडल की बात है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था शायद बिहार विधानमंडल में पहली बार इतने व्यापक तरीके से देखने को मिल रही है, हर तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, शायद कुछ जरूर ऐसा इनपुट है जिसकी वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहे न्यूज बायोस्कोप के साथ, सहयोगी राजेश के साथ, कुमार गौतम, न्यूज बायोस्कोप पटना। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बायोस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बायोस्कोप ऐप। बिहार विधानमंडल की इतनी सुरक्षा शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और वजह बिल्कुल साफ है कि शिला लेख और शिला पट पर जिस तरीके से राज्यपाल का नाम नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध कर रही है, और यह विरोध इसलिए है क्योंकि देश की संसद भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष देश में बगावत के मूड में है और साफ तौर पे कह रही है कि राज्यपाल जो संवैधानिक पद है और उसका यहाँ पर क्यों शिलालेख में नाम नहीं है, नीतीश कुमार का क्यों है, और ये इसलिए है क्योंकि देश में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना चाहिए नए संसद भवन का, और उनका नाम नहीं होने की वजह से अब ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यापक इंतजाम है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और ये विधानसभा विधानमंडल के बाहर की तस्वीर है, और अंदर भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद हैं और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये विरोध कब तक जारी रहेगा, फिलहाल ये विरोध के साथ साथ कब तक ये सियासत गर्म रहेगी ये भी देखना होगा, लेकिन मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता दिख रहा है, इसलिए क्योंकि एक तरफ देश की संसद की बात है तो वहीं राज्य में विधानमंडल की बात है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था शायद बिहार विधानमंडल में पहली बार इतने व्यापक तरीके से देखने को मिल रही है, हर तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, शायद कुछ जरूर ऐसा इनपुट है जिसकी वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहे न्यूज बायोस्कोप के साथ, सहयोगी राजेश के साथ, कुमार गौतम, न्यूज बायोस्कोप पटना।